सो so फाइनली हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो अब चेंज हो गया है जी हाँ 163 सिक्सटी लगे लेकिन अब हमारे पास तीन नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं और जो पुराने वाले तीन थे यानी आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट इन तीनों को ही रिप्लेस कर दिया गया है बट आई वॉज वंडरिंग ये तीनों जो नए लॉज हैं बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो गए आई I मीन mean, किसी भी नए लॉ लाने के लिए जो है काफ़ी टाइम लगता है पहले उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है फिर उसमें कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं फिर उसे लोकसभा से पास होना चाहिए राज्यसभा से पास होना चाहिए प्रेसिडेंट की एक्शन मिलनी चाहिए और फिर कहीं जाके जो है वो इफ़ेक्ट में आ पाता है उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं लेकिन जो हमारे ये तीनों क्रिमिनल लॉज हैं इनका ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही जल्दी हो गया है जी हाँ अगस्त 2023 के अंदर इन्हें पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इन्हें ड्राफ्ट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया था और फर्स्ट जुलाई 2024 को ये इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं बट ये पूरा प्रोसेस इतना जल्दी कैसे हो गया होगा क्यों नहीं क्योंकि इसे पार्लियामेंट के विंटर सेशन में पास कराया गया था जी हाँ वही सेशन जहाँ पर अराउंड वन फोर्टी जो है सस्पेंड हो गए थे तो ऑब्वियस ही बात है जब पार्लियामेंट के अंदर एम हैं ही नहीं डिबेट करने के लिए लोग ही नहीं हैं तो जो हमारे लॉज हैं वो इजीली पास तो हो ही जाएंगे खैर ये पॉइंट छोड़िए अब हमारे तीनों लॉज हमारे पास आ गए हैं और हम बहुत खुश हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम के जो लॉ थे उनसे पीछा छूट गया है और इसीलिए आज ही हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे डी करेंगे तीन नए क्रिमिनल लॉज को और साथ साथ ये भी समझेंगे कि इससे कौन कौन से लोग जो हैं इफ़ेक्ट होंगे क्या क्या चेंजेस जो हैं करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ताकि इन तीनों नए लॉज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से हो सके लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल नया है तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहला तो है भारतीय न्याय संहिता जो कि रिप्लेस कर रहा है इंडियन पेनल कोड को दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये किसको रिप्लेस कर रहा है ये रिप्लेस कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को और तीसरा है भारतीय साक्षी अधिनियम ये जो है रिप्लेस कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट को तो ये तीनों ही लॉज जो हैं वो फर्स्ट जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गए हैं अब ये रिप्लेसमेंट तो हो गया है लेकिन इससे जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सभी के दिमाग में आ रहे हैं सबसे पहला तो ये कि ये कौन कौन से केसेस पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट जुलाई से हुआ है इससे पहले के जितने भी केसेस थे अभी तक जो चल रहे हैं जो कि पेंडिंग है कोर्ट के अंदर उन पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा तो मैं बता दूं कि उनके ऊपर जो हमारे पुराने तीन लॉज हैं यानी आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट वो ही एप्लीकेबल होंगे लेकिन हाँ अब फर्स्ट जुलाई से जो भी नया केस आएगा जो भी नई एफआईआर रजिस्टर की जाएगी पुलिस के पास वो किसके अंदर होगी वो होगी इन नए क्रिमिनल लॉस के अंदर इनफैक्ट पहली एफआईआर तो रजिस्टर भी हो गई है तो ये तो आपको अब आप रिजॉल्व हो गया कि जिनके केसेस अभी तक पेंडिंग हैं उनको क्या करना है उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उनके ऊपर पुराना ही लॉ एप्लीकेबल होने वाला है दूसरी प्रॉब्लम जो कि फेस कर रहे हैं लोग स्पेशली वो जो कि स्टूडेंट्स हैं जी हाँ जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं वो इसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का कहना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मैंडेट दिया है कि ये जो एकेडमिक सेशन है 2024 टू तो 2025 इसी एकेडमिक सेशन से जो है ये तीन नए लॉ जो है कॉलेजेस के अंदर लॉ कॉलेजेस के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अब तीसरी जो ग्रुप है जो कि इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा वो होगा वो ग्रुप जो कि इन लॉज से डील करता है यानी हमारा एग्जीक्यूटिव जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी जो पुलिस है जो, जो एफआईआर रजिस्टर करती है भाई उससे भी तो लॉ पता होना चाहिए कि हमें कौन से नए सेक्शन के अंदर कौन से नए लॉस के अंदर जो है एफ रजिस्टर करनी है क्योंकि ये कहा जा रहा है बहुत सारे नए ऑफेंसेज भी जो हैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो इस सब के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे हम लबासना भी कहते हैं जो कि मसूरी में है उन्होंने एक पाँच दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कराया था फ़ॉर ऑल द आईएएस, आईपीएस, एस ऑफिसर्स ताकि जो है उन्हें इस पूरे जो नया लॉ है उसके बारे में समझ आ सके तो जो भी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में काम करते हैं फॉरेंसिक लैब्स के अंदर काम करते हैं इन सभी लोगों की ट्रेनिंग हुई है और जो मिनिस्ट्रीज ऑफ डब्ल्यू सी डी रूरल डिपार्टमेंट पंचायती राज हैं उन्होंने भी एक हिंदी वेबिनार कंडक्ट कराया ट्वेंटी फर्स्ट जून को फॉर ऑलमोस्ट फोर्टी लाख ग्रास रूट फंक्शनरीज इसके अलावा सेकेंड वेबिनार भी कराया गया ट्वेंटी फिफ्थ जून को जिससे ऑलमोस्ट फिफ्टी लाख लोगों ने जो है अटेंड किया इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है टू इंडिविजुअल सिविल सर्विस ऑफिसर्स ऑन दी आई जी ओ टी कर्मयोगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो ये ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं ऑन दी क्रिमिनल लॉ जिसे कौन ऑफ़र कर रहा है जिसे आईजीओटी ऑफ़र कर रहा है ट्वेंटी फरवरी से ये जो कोर्सेज़ हैं ये स्टार्ट हो गए हैं और अभी तक अराउंड टू लाख एटीन थाउजेंड ऑफिशल्स ने अपने आप को एनरोल करा लिया है सो so, इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर कर रही है अपने ऑफिसर्स को स्टूडेंट्स को कि वो अच्छी तरीके से ये जो नया क्रिमिनल लॉ है इसे समझ सकें और इसे ढंग से जो है इम्प्लीमेंट कर सकें बट स्टिल माय क्वेश्चन इज़ कि क्या इतना सारा जो ये पूरा ट्रेनिंग हो रही है सबको समझाया जा रहा है कि क्या है नया क्रिमिनल लॉ अवेयरनेस कराई जा रही है क्या हमें सच में इसकी ज़रूरत थी आखिर हमारा जो पुराना क्रिमिनल लॉ सिस्टम है उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि ये नया वाला इंट्रोड्यूस करना पड़ा तो जो नया क्रिमिनल लॉ है इसका मेन एम यही था मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मॉडर्नाइज किया जा सके लीगल फ्रेमवर्क को बाय एड्रेसिंग दी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जैसे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं या इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उस टाइम पे ऐसे नहीं हुआ करते थे जब हमारा जो क्रिमिनल लॉ था जो आईपीसी सीआरपीसी सी जब बनाए गए थे उस टाइम पे इस तरीके के क्राइम्स नहीं थे तो इस वजह से ये जो नया लॉ है इसका एम यही था कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके एम्फेसाइज किया जा सके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कि जो भी ये नई टेक्नोलॉजी आई है उससे रिलेटेड जो भी क्राइम्स जो हैं अब स्टार्ट हो गए हैं उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके और साथ साथ कम्युनिटी सर्विस जैसे पनिशमेंट जो है उन्हें भी इंट्रोड्यूस किया गया है तो अब हम ये तो समझ गए कि क्यों ये नए क्रिमिनल लॉज जो हैं इम्प्लीमेंट किए गए थे क्या मेन ऑब्जेक्टिव था तो ये तो ठीक है अब हम इन तीनों लॉज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या नए सेक्शन क्या क्या नए ऑफेंसेस जो हैं इसके अंदर जोड़े गए हैं और वो जो हमारे पिछले लॉज थे उनसे कैसे डिफरेंट हैं तो अब हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता जो कि रिप्लेस कर रहा है इंडियन पिनल कोड को वो क्या कहता है इनिशियली जो हमारा आईपीसी था उसके अंदर इन टोटल कितने सेक्शंस थे 511 सेक्शंस थे और अब जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर इन सेक्शंस को कम कर दिया गया है यानी अब उसके अंदर सिर्फ 358 सेक्शंस हैं इसके अलावा ट्वेंटी वन नए ऑफेंसेस भी इसके अंदर जोड़े गए हैं जैसे कि हेट क्राइम्स लॉ लिंचिंग जैसे ऑफेंसेस जो हैं जो अब देखने को मिलते हैं वो पहले क्या था आईपीसी के अंदर शामिल नहीं थे जो जुडिशरी थी वो इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो है इनके ऊपर जजमेंट्स देती थी मगर अब इस नए लॉ के अंदर स्पेसिफिक सेक्शंस जो हैं वो हेट क्राइम्स और मॉब लिंचिंग से डील करेंगे इसके अलावा और भी ऑफेंसेस जोड़े गए हैं जैसे कि टेररिज्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हेट स्पीच इनफैक्ट जो सेडिशन था उसे भी रीडिफाइन किया गया है उस एक्ट की तरह कि ये एंडेंजर करता है ख़तरे में डालता है हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को और जो थेफ्ट है चोरी है उसका जो स्कोप है वो भी एक्सपैंड किया गया है इसके अंदर अब इंक्लूड किया जाएगा डेटा और इंटेंजिबल आइटम्स को भी यानी अभी तक क्या था जब चोरी होती थी तो हम क्या कहते थे क्या चोरी हुई है घर का कोई सामान चोरी हुआ है गाड़ी चोरी हुई है सिर्फ टेंजिबल आइटम्स को मानते थे कि चोरी हुई है लेकिन अब क्या हुआ है थेफ्ट का जो पूरा स्कोप है उसे एक्सपैंड कर दिया गया है टू इनटेंजिबल आइटम्स भी यानी अगर आपका डेटा भी चोरी हो रहा है तो उसे थेफ्ट के अंदर माना जाएगा तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऐड की गई हैं अब हम चलते हैं हमारे दूसरे लॉ की तरफ जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि रिप्लेस कर रही है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को तो ये जो लॉ है ये फोकस कर रहा है ऑन विक्टिम सेंटरिंग अप्रोच जी हाँ इसके अंदर जो पुलिस कस्टडी है यानी जैसे ही कोई क्राइम कमिट हुआ अगर किसी पे आपको डाउट है कि इसने क्राइम कमिट किया है तो उसे हम अक्यूज़ बोलते हैं तो अगर हम अक्यूज़ को जो है पकड़ रहे हैं तो उसे पहले कितने दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता था 15 डेज के लिए रखा जाता था लेकिन अब ये जो दिन है ये जो टाइम पीरियड है इसे बढ़ा के नाइन्टी डेज कर दिया गया है यानी 90 दिनों तक जो पुलिस है वो किसी भी अक्यूज को अपनी कस्टडी के अंदर रख सकती है इसके अलावा ये जो लॉ है ये अलाव करता है ट्रायल्स इन एबसेंशिया यानी अगर जैसे कोई भी प्रोसीडिंग है और अगर कोई पर्सन जो है एबसेंट हो जाता है उस प्रोसीडिंग के अंदर नहीं जाता है तब भी प्रोसीडिंग रुकेगी नहीं प्रोसीडिंग चलती रहेगी वो भले ही अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है कोर्ट के सामने लेकिन तब भी जो है उसकी एब्सेंस में भी वो प्रोसीडिंग चलती रहेगी इसके अलावा जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है ज़ीरो एफआईआर पहले भी इंट्रोड्यूस की गई थी लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था एक पर्टिकुलर लॉ नहीं था जो कि इसके बारे में बात कर रहा था लेकिन अब इस नए लॉ के अंदर ज़ीरो एफआईआर ढंग से इंट्रोड्यूस की गई है इसका मतलब यह है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो क्राइम कमिट हुआ है वो कौन से पुलिस के जुरस्डिक्शन में है कौन से पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में है आप कहीं पर भी जाके किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाके जो है कम्प्लेन फाइल कर सकते हैं एफ़ फाइल कर सकते हैं एंड लास्ट इज़ कि ये जो लॉ है ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक समन्स एंड अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम यानी अगर किसी को बुलाना है किसी पर्सन को बुलाना है तो उसे इलेक्ट्रॉनिकली समन भेजा जा सकता है और जो विटनेसेस हैं क्योंकि हम काफ़ी सारे केसेस में देखते हैं कि विटनेसेस को चोट पहुंचाई जाती है कोशिश की जा रही होती है कि वो जो हैं अपना स्टेटमेंट देने ना जाएं। तो इस लॉ के अंदर स्पेसिफ़िकली ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है कि जो विटनेसेस होते हैं किसी भी केस में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके इसके अलावा ये जो लॉ है ये मैंडेट देता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉर सीरियस ऑफेंसेस यानी अगर सीरियस ऑफेंसेस हैं कहीं रेप हुआ है कहीं मर्डर हुआ है तो उस केस में फ़ॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना कंपल्सरी है ऐसा होना ही चाहिए साथ साथ ये फैसिलिटेट करता है ये जो लॉ है ये अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल्स के लिए यानी जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती हैं तो ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल है ये हम देख सकते हैं ये बहुत बड़ा शिफ्ट है फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्ट रूम प्रोसीजर्स क्योंकि पहले क्या था सबको जाना पड़ता था कोर्ट जाना पड़ता था पेशी होती थी ट्रायल्स चलती थी लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली जो है ये ट्रायल्स हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबको जो है फिज़िकली वहाँ जाना हो वो ऑनलाइन भी जो है ये ट्रायल्स कराई जा सकती हैं एंड द लास्ट लॉ जो नया इंट्रोड्यूस किया है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को तो ये जो लॉ है ये मॉडर्नाइज़ करेगा एविडेंस हैंडलिंग को कि जो भी सबूत मिलते थे कैसे उन्हें हैंडल करना है और इस लॉ के अंदर ये भी कहा गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें भी एविडेंस के तौर पे जो है एडमिट किया जाएगा वो एडमिसिबल होंगे क्योंकि अभी तक कई बार जो है क्वेश्चन रेज हो जाता था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हम जो है एविडेंस मान सकते हैं या नहीं लेकिन अब इस नए लॉ के अंदर स्पेसिफिकली कहा गया है कि हाँ वो एडमिसिबल हैं। इसके अलावा ये जो लॉ है ये मैंडेट देता है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ रेप विक्टिम स्टेटमेंट्स यानी सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो इस लॉ के अंदर क्लासिफाई किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एज प्राइमरी एविडेंस और ये अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक गिविंग ऑफ ओरल एविडेंस सो वी कैन सी कि कैसे ये जो नए लॉज हैं उनका मेन फोकस किस पे है डिजिटलाइजेशन पे है मॉडर्नाइजेशन पे है कि कौन कौन से नए लॉज जो हैं आ रहे हैं इस डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या क्या नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिन्हें डील किया जाए और उसी डिजिटलाइजेशन को यूज़ करके वो अपनी ट्रायल्स भी जो है कन्डक्ट करेंगे इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ये सब एविडेंस जो हैं एडमिसिबल हैं सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये तीनों लॉज जो हैं इनका मेजर फोकस क्या है और ये क्यों इम्प्लीमेंट किए गए हैं अगर अब मैं मेजर डिफरेंसेस की बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें जो कि आईपीसी को रिप्लेस कर रही है तो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं सबसे मेजर डिफरेंस तो ये है वो है सेक्शन 377 तो ये जो सेक्शन 377 है ये पूरी तरीके से इस भारतीय न्याय संहिता के अंदर हटा दिया गया है क्योंकि पहले क्या था जो सेक्शन 377 था वो क्रिमिनलाइज करता था सर्टेन सेक्शल एक्ट्स को जो कि अब एक ऑफेंस नहीं है तो इसी वजह से भारतीय न्याय संहिता में अब सेक्शन 377 जो है, है ही नहीं ये क्राइम जो है वो मैंशनड ही नहीं है दूसरा है ऑर्गेनाइज क्राइम तो पहले क्या था आई के अंदर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नाम का कोई भी ऑफेंस नहीं था लेकिन अब इस नए लॉ के अंदर जो है ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस है वहीं अगर हाँ, हम मॉब लिंचिंग की बात करें तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है विद डेथ पेनल्टी जबकि आईपीसी के अंदर ये मेंशन नहीं था देन वी हैव टेररिस्ट एक्ट्स एंड टेररिज्म रिलेटेड एक्ट्स तो इनिशियली जो आईपीसी था उसके अंदर ये सारे ऑफेंसेस जो है वो मेंशन नहीं थे लेकिन जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर इस तरीके के सारे एक्ट्स जो हैं वो मैंशन किए गए हैं उन्हें डिफाइन किया गया है इसके अलावा अगर हम कम्युनिटी सर्विस की बात करें तो आप कई जगह जो है आईपीसी के अंदर देखेंगे क्राइम्स के अंदर बहुत छोटी छोटी पनिशमेंट दी गई थी तो अब ये माना गया है कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं जैसे कि पेटी थेफ्ट और कोई छोटा मोटा ऑफेंस तो उसके लिए सज़ा देने से अच्छा है उस पर्सन को जो है उससे कम्युनिटी सर्विस कराई जाए यानी उसे एक महीने के लिए या दो महीने के लिए जेल भेजने से अच्छा है कि उससे हम कम्युनिटी सर्विस कराएं तो इस तरीके का जो प्रोविजन है वो ऐड किया गया है इसके अलावा जो हिट एंड रन के पनिशमेंट है उन्हें इंक्रीज कर दिया है पहले उसकी सज़ा दो साल थी अब उसे बढ़ा के पाँच साल कर दी गई है अगर हम सेडिशन की बात करें तो उसे रिप्लेस कर दिया गया है विथ ट्रेजन यानी ऐसा कोई भी एक्ट जो कि खतरे में डाल रहा है नेशनल इंटीग्रिटी को तो जो सेडिशन का ऑफेंस था उसे ट्रेजन से जो है रिप्लेस कर दिया गया है फिर अगर हम थेफ्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने अब बताया कि थेफ्ट जो है चोरी जो है वो अब इंक्लूड करेगी डिजिटल आइटम्स को भी दैन देर इज़ मेडिकल नेग्लिजेंस इसका एक स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो एड किया गया है ताकि मेडिकल नेग्लिजेंस जैसे जो इशूज़ हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके दैन वी हैव इकोनॉमिक ऑफेंसेज ये जो टर्म है इकोनॉमिक ऑफेंसेस इसे प्रॉपरली जो है ढंग से डिफ़ाइन किया गया है नेक्स्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई पर्सन जो है सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहा है किसी और इंसान के साथ ऑन दी ग्राउंड्स कि वो आगे जाके उनसे मैरिज करेगा लेकिन उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है यानी डिसीटफुल मीन्स के अंडर जो है अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उस केस में ये जो पूरा एक्शन है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसके लिए दस साल की सज़ा हो सकती है दस साल की जेल हो सकती है अ बाय फाइन सो वी कैन सी कि इस नए लॉ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है नई ऐड की गई हैं काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं जो कि हेल्पफुल हैं आगे हेल्प करेंगे नए नए लॉस को इंट्रोड्यूस किया है जो नई नई प्रॉब्लम्स एराइज हुई हैं सोसाइटी में उनको एड्रेस किया गया है बट स्टिल आई थिंक कि क्या ये सारी नई चीज़ों के लिए ये सारे नए ऑफेंसेस के लिए हमें पूरा क्रिमिनल लॉ सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत थी क्योंकि ये चेंज सिर्फ चेंज की बात नहीं है अब हमें काफ़ी लंबे समय तक जो है दो क्रिमिनल लॉ सिस्टम के साथ जो है रहना पड़ेगा क्योंकि जो पुराने केसेस हैं जो पेंडिंग केसेस हैं उनके ऊपर पुराना क्रिमिनल लॉ सिस्टम ही लगेगा और नए पे या नया वाला तो काफ़ी लंबे समय तक जो है हमें दोनों क्रिमिनल लॉज को साथ के साथ चलाना पड़ेगा जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा इस्पेशली पुलिस के लिए ब्यूरोक्रेट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ प्रटर्निटी है उसके लिए क्योंकि जब एक का सेक्शन जो है अमेंड होता था फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेक्शन सिक्सटी ए की बात करूं आई टी एक्ट के तो उसे काफ़ी टाइम पहले जो है हटा दिया गया था ये कह दिया गया था कि इसे रिपील कर दिया जाए या अब इसको नहीं माना जाएगा आज तक जो है उसके अंदर जो है पुलिस एफआईआर फाइल कर लेती है हर साल उसके अंदर एफआईआर फाइल हो जाती है तो जब ऐसे एका सेक्शन चेंज होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व नहीं हो पाती तो ये तो पूरा क्रिमिनल लॉ सिस्टम ही चेंज हो गया है तो अब आगे जाके देखना होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना सक्सेसफुल रहता है या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है सो so,